हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? नया साल स्टार्ट हो गया। रिजोल्यूशंस, मन में कोई एक टारगेट आपने सेट करा होगा कि इस साल तक मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। काफ़ी सारी मूवी लास्ट ईयर आपने देखी होंगी, अच्छे अच्छे डायलॉग आपने सुने होंगे। जैसे एक डायलॉग आपके मन को काफ़ी भाया होगा और बाद में उसमें पंचर आ गया होगा। जैसे दशरथ मांझी का एक डायलॉग होगा, डायलॉग होगा नहीं, डायलॉग था, भगवान के भरोसे मत बैठिए। का पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। देखिए, ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न यही होता है कि हम लोग कोई भी मोटिवेशन चीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे मन में जोश आता है कुछ नया करने का। बाद में क्या होता है वो आप भी जानते हैं, लेकिन इस बार इस नए साल पर वो गलती अगेन रिपीट नहीं करनी है। इस साल किसी ना किसी अच्छी पोस्ट पे आपको सेलेक्ट होना है और जो भी गलती लास्ट ईयर करी थी वो गलती रिपीट नहीं करनी है और अपनी कमियों को स्वीकार करना है सबसे पहले। सेकंड काम आपका ये होगा, उस पर सुधार कैसे करा जाए उस पर थोड़ा ध्यान देना है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आज आप देख रहे हैं सामने ये वीडियो, इसमें मैं कवर करूँगा आज इम्पॉर्टेंट डेज। और अधिकांश वीडियो में मैंने आपको बताए थे इम्पॉर्टेंट डेज, और मैक्सिमम कम से कम 60% वीडियो में मैं ये बोल चुका हूँ आपको कि इम्पॉर्टेंट डेज एग्ज़ाम में जाने से पहले याद करना। क्या आपने करा? चलिए, किसने करा किसने नहीं करा वो चलेगा पता। आज आज होंगे यहाँ पे आपके सामने 30 MCQ क्वेश्चन जो होंगे इम्पोर्टेंट डेज से संबंधित। आप भी अटेम्प्ट करिए, देखता हूँ कि कितने बच्चे आज रिप्लाई करते हैं, किस में कितना है दम, देखेंगे आज हम, मैं और आप। करिए अटेम्प्ट इस वीडियो को, देखिए आपका स्कोर क्या आता है, फिर सोचना एक बार अगर आपका स्कोर कम आता है तो आपने क्या पढ़ा अब तक। आपने जो भी वीडियो देखी या जो भी पन्ने पलटे, जो भी बुक आपने खरीदी, वो अब तक एज ए रद्दी बन के पड़ी है आपके बुक सेल्फ में या फिर सच में आपने पढ़ा है? चलिए शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो। मेरी बातों पर प्लीज विचार जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर वन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी, 23 मार्च। बताइए इसका राइट आंसर फटाफट से। देखिए, इससे ज़्यादा समय मैं आपको नहीं दूंगा और एग्ज़ाम भी आपको इससे ज़्यादा समय नहीं देगा। बाकी फिर आपकी मर्जी है, एक क्वेश्चन में 10 मिनट खर्च करिए, आधा घंटा या फिर 1 घंटा, लेकिन एक्यूरेसी बनती है एक क्वेश्चन पे केवल 8 सेकंड की। तो फर्स्ट का राइट आंसर आपका सही। क्वेश्चन नंबर टू, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सेप्टेम्बर या फिर 2 दिसंबर। राइट आंसर विल बी बी, 29 अगस्त। थर्ड, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त, 13 सितंबर, 2 दिसंबर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट दीजिए अपना आंसर, सोचने के लिए टाइम चाहिए, वीडियो को पॉज करिए, खूब लीजिए भी टाइम। थर्ड का राइट आंसर आपका सी, 2 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर फोर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 फरवरी, 24 फरवरी, 18 फरवरी, 21 फरवरी। राइट आंसर होगा इसका बी, 24 फरवरी। क्वेश्चन नंबर फाइव, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, 26 अगस्त, 15 फरवरी, 24 सितंबर एंड 18 दिसंबर। जी 24 नहीं, 14 सितंबर होगा। राइट आंसर सी, 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मार्च, 9 अगस्त, 5 सितंबर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर 5 सितंबर। क्वेश्चन नंबर सेवन, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 28 फरवरी, 14 मार्च, 5 अगस्त। सेवन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर एट, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई, 1 जून।
तो 8 का राइट आंसर होगा सी, 1 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 9, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अगस्त, 16 सितंबर, 4 दिसंबर, 8 फरवरी। राइट आंसर सी, 4 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 जून, 14 जुलाई, 31 अक्टूबर, 19 नवंबर। राइट आंसर सी, 31 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 मई, 11 फरवरी, 11 अप्रैल, 11 जुलाई। इसका राइट आंसर है आपका 11 मई। निकालते रहिए अपनी छोटी मोटी एवरेज की, आपका क्या जा रहा है, 10 में से आपके कितने सही आ रहे हैं। देखिए पूरा वीडियो, पूरा वीडियो अटेम्प्ट करना है, ये नहीं कि बस केवल 10 में से आपके 3 क्वेश्चन सही रहे तो आपका मन नहीं लगा और आपने स्किप कर दिया, मतलब अपनी कमियों से आप भाग रहे हैं कहीं ना कहीं। तो कमियों से भागोगे जो 2017 में हुआ वही अगेन 2018 में आपकी रिपीट हो सकती है, तो इसलिए गलती को रिपीट नहीं करना है, गलती हमें सुधार करना है अपना। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 सितंबर, 7 दिसंबर, 26 फरवरी, 15 जनवरी। 12 है, फटाफट लगाइए राइट आंसर अपना जल्दी से। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 15 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 दिसंबर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 13 का राइट आंसर बनेगा आपका 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 14, मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 फरवरी, 21 मार्च, 25 अगस्त, 17 सितंबर। राइट आंसर सी, 25 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 15, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी, 13 फरवरी, 15 मार्च, 22 अगस्त। राइट आंसर लगा लिया, वेरी गुड, मैच करिए। इसका राइट आंसर आपका 30 जनवरी, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, संचिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 अगस्त, 15 सितंबर, 12 दिसंबर, 8 फरवरी। तो इसका राइट आंसर है आपका 15 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 जनवरी, 18 फरवरी, 21 अगस्त, 20 मार्च। राइट आंसर डी, 20 मार्च। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 मई, 24 मई, 21 मई, 28 मई। देखिए एग्जाम में जो आपको ऑप्शन देगा भी ना, अगर आपको मंथ हल्का सा भी याद आ रहा होगा, लेकिन अब आपको डेट भी अच्छे से याद करनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख रहे हैं, सारे के सारे जो भी मंथ हैं वो सब के सब मंथ हैं आपके मई के, तो मई तो आपको अगर याद आ भी जाता है तब भी आपकी बात नहीं बनेगी एग्जाम में। आपको याद रखना है एग्जैक्ट डेट, सही डेट उसके क्या है। तो इसी तरह से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है, आपको एग्जामिनर गुमराह करेगा, इस बात का भी याद रखना। और एक बात का और याद रखना, क्या मौके मिलते नहीं बनाए जाते हैं, कामयाबी हम तक नहीं आती, हमें कामयाबी तक जाना होता है, उस तक पहुंचना होता है। कामयाबी तक, अपनी सही मंजिल तक, अपने एम तक, अपने टारगेट तक हम तभी पहुंच पाते हैं जब हमारे क्रम में, क्रम मतलब हमारे कार्यों पर, एक 100% एक पॉजिटिव ऊर्जा होगी, तब डेडिकेशन होगा, एक ईमानदारी होगी। डैम श्योर इस साल आपकी जॉब पक्का लगेगी और आप ईमानदारी से पढ़ेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो बनेगा आपका क्या, सी, 21 मई। क्वेश्चन नंबर 19, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 सितंबर, 7 दिसंबर, 7 फरवरी, 7 अप्रैल। देखिए इसमें इसने डेट सब सेम दे दी, मंथ चेंज कर दिया। पिछले क्वेश्चंस में मंथ सेम थे, डेट अलग थी, तो ऐसे ही आपको गुमराह करेगा। तो बताइए फटाफट इसका राइट आंसर।
19 का राइट आंसर आपका 20 7 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 20, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। 20 का राइट आंसर है आपका डी, 21 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 21, 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? फादर्स डे, एंटी टोबैको डे, टीचर्स डे, मदर्स डे। 31 मई की बात कर रहा है आपसे, तो इसका राइट आंसर है एंटी टोबैको डे। 22 है आपका, 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस, गुरु गोविंद सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर चंद्रशेखर आजाद। 22 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? इंदिरा गांधी, लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू या फिर कमल नेहरू की। तो इसका राइट आंसर आपका सी, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 24, 5 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? श्रमिक दिवस, महिला दिवस, बाल दिवस, शिक्षक दिवस। अब आपको कन्फ्यूजन देखिए मैक्सिमम बच्चों को कहाँ पे होती है, बी और डी में। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है और आपका आंसर राइट है तो आपकी तैयारी सही चल रही है। इसका राइट आंसर है शिक्षक दिवस। क्वेश्चन नंबर 25, राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त जो होता है वो किस रूप में मनाया जाता है? संकल्प दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, आतंकवाद विरोध दिवस या फिर राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। 25 का राइट आंसर होगा आपका डी, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। क्वेश्चन नंबर 26, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई, 14 अक्टूबर, 14 नवंबर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका क्या, मन नहीं कर रहा बताने का क्योंकि ये काफी क्वेश्चन इजी है, लेकिन फिर भी आप चलिए देख लीजिए राइट आंसर इसका। तो ये बनेगा 14 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 27, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 1 फरवरी, 12 मार्च, 15 अगस्त। राइट आंसर ए, 9 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 13 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी। 28 राइट आंसर सी, 12 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 12 नवंबर, 18 दिसंबर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका क्या, बन गया इसका राइट आंसर 12 नवंबर। मैच करिए अपना आंसर कितना सही कितना गलत। क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है ये, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए राइट आंसर होगा इसका डी, जवाहरलाल नेहरू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए आपका जो भी स्कोर बनता है मुझे कमेंट करके भेजिए। हर एक वीडियो वाला, हर एक एजुकेटर जो भी होता है, जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाता है, वो मैक्सिमम यही कहते हैं कि अपना स्कोर भेजें, लेकिन आप भेजते नहीं थे उनको। अगर आप यही गलती दोबारा कर रहे हैं, करिए, रिपीट करिए, अच्छी बात है। गलतियों को से बिल्कुल भी ना सीखना कभी कभी अच्छा होता भी है और अधिकांश अच्छा नहीं होता है। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका रिप्लाई मुझे करेंगे, कमेंट भेजेंगे। नंबर कम आते हैं आपके, जो भी आप, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, हर एक बुक में है, वहाँ से याद कर लेना इसको। अगर लगता है कि एग्ज़ाम देने के बाद में याद करना है तब कर लीजिएगा, बट याद जरूर करना है इसको, ठीक है? कभी कभी होता है कि इंसान ठोकर खा के संभलता है, और कुछ लोग ठोकर खाने के बाद भी नहीं संभलते हैं। याद करिए, आपने कभी एक रियल एग्ज़ाम दिया होगा, मॉक टेस्ट दिया होगा, वहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये टकराया होगा लेकिन आपने उसको सही नहीं करा। फिर आपने कभी सोचा कि यार कि इस पे मुझे काम करना चाहिए? डेज जो है आज के टाइम पे हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बन रहा है। पक्का बनने के बाद में भी आप रिस्क ले रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, अपने नोट्स नहीं बना रहे हैं, याद ही नहीं होता हमको तो। अरे ये डेज को याद करने के भी शॉर्टकट ट्रिक है,
आपको आसानी से YouTube पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, उनके वीडियो को फॉलो करिए, याद करिए, लेकिन याद जरूर करना एग्ज़ाम में जाने से पहले। और करिए मुझे कमेंट आपका स्कोर क्या बना एक बार। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं कराया अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में दिखाई देगा आपको एक बेल आइकन, उस पर क्लिक करना ना भूलें। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा। अगेन वही बात दोबारा बोलूँगा, मौके मिलते नहीं बनाए जाते हैं, कामयाबी हम तक नहीं आती, हमें मेहनत से कामयाबी तक पहुँचना होता है। कुछ लोग लेट पहुँचते हैं, कुछ लोग सही समय पर, और कुछ लोग डैश 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 क्वेश्चन मार्क। थिंक अबाउट इट, इस बारे में प्लीज़ विचार करिएगा एक बार।